मौजूद हैं आलोक शर्मा जी जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आइए इनसे बात करते हैं कि कर्नाटक में जिस प्रकार से कांग्रेस ने जीत हासिल की है उसको लेकर के इनकी क्या विचारधारा है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, कांग्रेस ने जीत हासिल की है उसको लेकर के। धन्यवाद। और हम धन्यवाद कर्नाटक की जनता का करना चाहते हैं, सब जनता का नमस्कार करना चाहते हैं, जिसने जो वैमनस्य की विचारधारा थी, जिसने झूठ की जो विचारधारा थी उसको पेश किया और अपने भविष्य के लिए सही जगह वोट किया। सर तो अभी आपने कहा झूठ की विचारधारा उसको ये किया था, सर ये तो राजनीति है, यहाँ पे तो अगर सत्ता पक्ष झूठ बोलती है तो विपक्ष भी झूठ बोलती है, तो हम किस हद तक माने कि कांग्रेस जो है वो झूठे वादे नहीं कर रही है। मीडिया तय थोड़ी करता, जनता तय करती है, जनता ने तय किया है जी। कौन झूठ बोलता है, जनता ने बताया कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, भाजपा झूठ बोलती है, और शाम तक और ज्यादा बताएगी जनता। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कांग्रेस के ऐसे क्या एजेंडे हैं जिसको लेकर के वो उस पर काम करेगी जो बीजेपी सरकार ने किया है। बीजेपी सरकार ने 40% कमीशन का काम किया, बीजेपी सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ाया, बीजेपी सरकार ने तमाम झूठे वादे किए। 2022 में सबको घर, 15 लाख सबके घर के ऊपर छत, छत से नीचे नल और नल में डब्बा और डब्बे में पानी, सब एक स्टोरी बना दी। कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया है और जो 5 गारंटी दी है उन पर काम करेंगे। भगवान हमें ताकत दे, एक कर्जे में डूबा हुआ हमें राज्य मिल रहा है, हम उससे बाहर निकालें उसको, और जो जनता से वायदे किए हैं उसको पूरा करें, ताकि कर्नाटक की जो अस्मिता है, कर्नाटक का जो विकास है वो पुनः आगे बढ़े। करना चाहूंगी कि देश का भविष्य जो होता है वो युवा वर्ग होता है, तो बेरोजगारी का मतलब बहुत तेजी से पक्ष में भी देखने को मिला और विपक्ष में भी देखने को मिला, तो युवा वर्ग के लिए आपके पास क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके लिए, आपने क्या सोचा हुआ है? देखिए युवाओं के लिए किस तरह से रोजगार से लेकर एग्रीकल्चर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लेकर, आप देखिए मैनिफेस्टो में एक एक चीज को हमने डिफाइन किया, और जब तक इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा तब तक महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा रोजगार नहीं आएंगे। एक तरफ 40% भ्रष्टाचार में इन्वेस्टमेंट को रोका हुआ था, नए उद्योग नहीं आ रहे थे, और अभी तो केंद्र सरकार के भी 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो पिछले 2 साल का लोवेस्ट है। तो जब सरकार आती है तो सरकार के साथ इकबाल आता है, इकबाल के साथ इन्वेस्टमेंट और रोजगार बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है नंदिनी बचेगी, अब अमूल के माध्यम से उसको नुकसान नहीं होगा, और आने वाले समय में जिस तरह से हमने 2000 और 3000 का महंगाई भत्ते भी दिए हैं, हम जल कर्नाटक को पुनः उसकी अर्थव्यवस्था की पटरी बताएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े।